यार। सुन रहे हो आप लोग? सब लोग मुझे? यस सर। हम लोग जो क्लास ले रहे हैं यस सर, वो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन की, ठीक है? तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है? सबसे पहले क्योंकि जो भी जो मैं तुम लोगों से पिछले पीरियड में बात किया था, मैंने आप लोगों से मैंने राय लिया था, तो आप लोगों ने कहा था कि यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है क्या? सबसे पहले तो ये इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि किसी ग्रुप में, देखते जाना इस पर ध्यान देना, कि किसी प्रजाति में, किसी जीनस में, ग्रुप में, क्लास में, किंग फाइलम में, किंगडम में, या किसी भी स्तर पर धीरे धीरे और क्रमिक, कभी कभी ये फास्ट भी होता है, जो एडाप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन के अनुसार जो परिवर्तन होता है, ठीक है, ये कहलाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसको दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, यानी डिसेंट यानी अगली आने वाली पीढ़ी, पीढ़ी अगली पीढ़ी का मॉडिफिकेशन यानी परिवर्तन के साथ, पीढ़ी का बाद क्लास ले रहा हूँ बाद में। जैसे इसमें क्या होता है, यूरिसुलर वेयर द फर्स्ट टू अपीयर, सबसे पहले, सॉरी बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ, एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी भी ग्रुप में या किसी भी स्तर पे हो सकता है वो, ये क्या क्या हो सकता है, स्पीसीज लेवल पे हो सकता है, उसके ऊपर जनरस जीनस लेवल पे हो सकता है, फैमिली लेवल पे हो सकता है, ऑर्डर लेवल पे या क्लास लेवल पे, फाइलम लेवल पे, किंगडम लेवल पे भी, लेकिन इसके लिए बहुत धीरे धीरे और एक निश्चित क्रम में होने वाला विकास। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पे आए, इसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पृथ्वी पे, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलरिटी डेवलप हुई, और पहले सिंपल फॉर्म में डेवलप हुआ, उसके बाद फिर ये सिंपल फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेवलप होता गया, जो और बाद में और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले गए। देखते हैं जैसे इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ एक नीचे, यहाँ से एक लाइन निकल रही है, इस लाइन से इधर गई, फिडेरिया, केलमेंटी, ब्रैकियोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, टार्डिग्राडा, आर्थ्रोपोडा, निमेटोडा, फिर है एक दूसरी लाइन चली गई गाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, इस प्रकार से। यहाँ प्रोटोजोआ से अगर हम ले तो प्रोटोजोआ से लेकर के कॉर्डेटा तक के, यहाँ तक के मनुष्य तक के, ये जो एक विकास का एक निश्चित क्रम है, ये कहलाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसमें कुछ निश्चित परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को हम पहले देखते हैं। सबसे पहले है एक परिभाषा है जीनोम। जीनोम है क्या चीज? जीनोम वास्तव में किसी भी प्रजाति में, एक ध्यान रखना यहाँ पर ना, प्रजाति है, किसी भी प्रजाति में एक क्रोमोसोम्स के एक कंप्लीट से, एक कंप्लीट सेट होता है हैप्लॉइड का, ध्यान रखना कंप्लीट सेट डिप्लॉइड का नहीं होता, वो डबल होता है, ठीक है? तो हमेशा कंप्लीट सेट किसका होता है? हैप्लॉइड का। और जो डिप्लॉइड होता है तो उसमें क्या होता है कि एक एलील बन जाते हैं, दोनों का क्रोमोसोम का सेट जो होता है दोनों का जोड़ा हो जाता है, ठीक है? तो एक कंप्लीट सेट जो होता है क्रोमोसोम का, उसमें जितने जीन की संख्या है वो कहलाता है जीनोम। यानी एक किसी प्रजाति के क्रोमोसोम में
सेट के क्रोमोसोम में यानी हैप्लॉइड में, जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं किसमें, स्पर्म में या ओवम में, तो वहां पर जो सेट है क्रोमोसोम का, वहां पर जो जीन का सेट है कहलाता है जीनोम, जीन पूल। जीन पूल का मतलब ये है कि एक किसी एक पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको, किसी एक पॉपुलेशन में जीनों की कुल संख्या, ये कहलाती है जीन पूल। अब जैसे देखिए यहाँ पर कि मनुष्य में 23 ये 23 क्रोमोसोम में है, तो एक स्थान पर लोग मान लीजिए किसी एक कक्षा में 10 लोग बैठे हुए, 23,364 × 10 जितने जीन हुए वो एक जीन पूल कहलाएगा। ठीक है, एक होता है जेनेटिक आइसोलेशन, जेनेटिक आइसोलेशन होता है जीन एक्सचेंज, आपकी दो प्रजाति के दो के बीच में जीन एक्सचेंज। ठीक, अब ये कैसे हो सकती है, आगे में देखेंगे कैसे हो सकती है कि मैं मुख्य जीन का प्रभाव फ्लो जिसको कहना है, क्या जीन फ्लो वो पॉपुलेशन मतलब एक निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले जीवों की कुल संख्या, उस सर सर जीन पूल एक बार एक्सप्लेन करेंगे। वही तो बता रहा हूँ, पूरी बात तो होने, तो मेरी मेरी बात पूरी होगी तब तो समझेगा ना। तो जीन पूल का मतलब ये होता है कि एक निश्चित जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जितने प्रजाति पाए जाए, एक प्रजाति के जितने इंडिविजुअल पाए जा रहे हैं, मान लीजिए एक कक्षा है, एक कक्षा में 10 लोग हैं, है ना, प्रत्येक के पास मान लीजिए 25,000 जीन, एक व्यक्ति के पास 25,000 जीन के जोड़े हैं, क्या हाँ सर, जीन पूल समझ नहीं आ रहा। पहले जीनोम समझो, जीनोम क्या चीज है, एक एक कोई भी जीव, ये मनुष्य, मनुष्य के एक अब इसमें से 46 का आधा कितना होगा, 23। इसको कितने होते हैं, 23 स्पर्म में, 23 होते हैं, ओवम में 23 होते हैं। तो अब यहाँ देखो 23 होते हैं वो एक सेट कहलाता है, एक सेट का स्पर्म का, एक ओवम का, ये दोनों मिलकर डिप्लाइड होते हैं। क्लियर रही बात सबको मालूम है यहाँ तक, तो जो 23 ओवम का जो उतने जीन पाए जा रहे हैं वो कहलाता है जीनोम। नोट कर लेके बैठो और नोट करते जाओ, एक 23 क्रोमोसोम में जीनों की कुल संख्या जीनोम कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक व्यक्ति के पास, एक ऑर्गेनिज्म के पास, सर आवाज कट कट के आ रही है, मतलब तो मैं क्या करूं बेटा, आवाज कट के आ रही है तो उसको क्या कर, क्या कर सकता हूं मैं। बीच में नहीं बोला करो, अब मान लीजिए कनेक्शन क्लियर नहीं है यहाँ पर, तो इंटरनेट थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना। तो देखो क्या होता है कि जैसे एक एक व्यक्ति हुआ तो वह एक जीनोम हुआ। ठीक है, अब एक कक्षा क्या हुआ, देखना क्या आवाज कट कट के आ रही है, क्या करोगे, है ना।
तो मैं जीन पूल के बारे में बता रहा था कि एक स्थान पर पाए जाने वाले कुल जितने जीव हैं उनमें पाए जाने वाले जीनों की संख्या जीन पूल कहलाती है। समझ में आ गया? यस सर। आइसोलेशन को समझा था कि आइसोलेशन यानी जीन फ्लो में रुकावट होना, ठीक है, कि जीन फ्लो में कितनी रुकावट होगी। एक मिनट रुको, मैं दूसरा तरीका देखता हूँ। अरे इसने खबर बता दी, वीडियो खरे वो वीडियो म्यूट के हरे पास तो नकाराम कर मन करे दो सुनो म्यूट कर। आप सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस सर। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पर आइसोलेशन में बता रहा था कि जे अगर जे वो ये जियोग्राफिकल डिस्टेंस है। अब एक व्यक्ति हम भारत में है, दूसरा व्यक्ति अमेरिका में है, तो उन दोनों के बीच में संबंध नहीं बन सकता। एक जीव मान लीजिए जैसे चूहे हैं, एक खेत में चूहे पाए जा रहे हैं, ठीक है, ढेर सारे चूहे हैं। अब वो चूहे पूरे उस खेत में, जो मान लीजिए कि एक आधा किलोमीटर एक किलोमीटर का एरिया है, उस एरिया में वो सारे चूहे जो है वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पूरे घूमते फिरते हैं, अपना वो कर रहे हैं। इस बीच क्या हुआ कि वहाँ बीच में एक नाला बहने लग गया, गड्ढा हो गया और नाला बहने लग गया, है ना। तो अब नाला बहने लग गया तो क्या हो गया, अब चूहे इस पार से उस पार नहीं जा सकते, है ना। अब चूहे नहीं जा सकते तो क्या, अब जो चूहे इस तरफ है वो चूहे इस तरफ रहेगा, उस तरफ वाले चूहे उस तरफ हो गए, अब दोनों के बीच में प्रजनन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये जियोग्राफिकल डिस्टेंस के कारण हो गया। बीच में खाई बन गई, किसी एक जगह पे है, वहां पर भूकंप आया और बीच में खाई बन गई। तो इस तरफ के जो जीव थे वो इस तरफ रह गए, उस तरफ वाले जीव उस तरफ चले गए, अब दोनों के बीच में क्या हो गया, अब उनके उनके बीच में जेनेटिकल रिलेशन नहीं बन सक रहे, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सक रहे, जियोग्राफिकल हो गया, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो गए। ये उनके जो प्रजनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन हो गया तो उसमें भी क्या होगा, उसमें आपस में वो पॉपुलेशन नहीं कर पाएंगे और जीन का प्रवाह नहीं हो पाएगा। फिजियोलॉजिकल, अब इसमें फिजियोलॉजिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको बताता हूँ मैं। आपने फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में फर्टिलाइजेशन के चैप्टर में, कि किसी एक कोई एक प्रजाति का जो ओवम होता है वो फर्टिलाइजिंग नामक एंजाइम फर्टिलाइजिंग नामक एक रसायन स्रावित करता है। जो स्पर्म होता है वो एंटी फर्टिलाइजिंग नाम का रसायन स्रावित करता है। जब ये दोनों रसायन एक दूसरे से मैच होते हैं तभी उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा और जो स्पर्म होगा वो ओवम को पेनिट्रेट करेगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा। आगे का पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा वो स्पर्म, अगर ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, नहीं हो सकता, है ना। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या आवश्यक है, कि फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग का आपस में मैच होना। अगर मैच नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हो सकता फर्टिलाइजर, नहीं हो पाएगा। फिजियोलॉजिकल चेंज में क्या हुआ, कि अगर उसमें जो उसका जो प्रोटीन है या उसका अमीनो एसिड है या उसका जेनेटिक कोड में उसमें एक भी परिवर्तन आ गया, एक अमीनो एसिड भी परिवर्तित हो गया, तो क्या होगा, वो चेंज वो उसका जो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग का नेचर चेंज हो जाएगा और एक दूसरे से मैच नहीं होगा। इसका बढ़िया एग्जाम्पल आप देखो कि इसमें पानी में जैसे तालाब है, एक तालाब है, तालाब में मेढक भी है, केकड़े भी हैं और वो मछलियां भी हैं, ढेर सारी अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं, ये सभी जीव जंतु उसमें पाए जा रहे हैं। बहुत सारे जीव उसमें ऐसे होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ना। फ्रॉग भी अपने अंडे कहाँ देता है, तालाब में देता है, मछलियां भी अपने अंडे तालाब में दे दी, स्पर्म अपने दूसरी मछली ने स्पर्म छोड़ दिया, मेल फ्रॉग ने स्पर्म छोड़ दिया, कुछ कीड़े उन्होंने अपने अंडे दे दिए वहां पर, कुछ जो वो है क्रस्टेशियंस है जैसे झींगा वगैरह उन्होंने भी अंडे दे दिया,
कुछ वहां पर दूसरे जो निमेटोड है उनके भी अंडे पाए जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे जीव जंतुओं के अंडे तालाब के पानी में बिखरे हुए होते हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं के स्पर्म भी बिखरे हुए होते हैं, लेकिन कभी भी फ्रॉग के जो फ्रॉग का जो स्पर्म है वो फिश के स्पर्म को फर्टिलाइज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनका फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजेशन मैच नहीं होता। जब तक वो मैच नहीं होगा तब तक वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना। अब अगर फिजियोलॉजिकल चेंज, अगर एक ही प्रजाति के जंतुओं के बीच अगर ये जो फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजेशन के बीच परिवर्तन हो जाए, है ना, कोई रासायनिक परिवर्तन आ गया, तो क्या होगा कि उनका जो फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजेशन मैच ही नहीं होगा। जब मैच ही नहीं होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जीन फ्लो रुक जाएगा। जीन फ्लो कब होगा? जीन फ्लो तब होगा जब ओवम और स्पर्म के जो क्रोमोसोम्स हैं, जो डीएनए है, जो वो है डीएनए है, जो क्रोमोसोम आपस में मिक्स होकर के जाइगोट बनाएंगे, तभी होगा। फर्टिलाइजेशन तब कंप्लीट होता है जब एम्फी मिक्सिस होती है। ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम का अटैच होना मिलना नहीं है। फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब स्पर्म और ओवम के दोनों के पूरे क्रोमोसोम जब आपस में मिलकर के एक डिप्लॉयड सेट बना करके जाइगोट में के रूप में डेवलप होंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है बात? वैसे एनाटॉमिकल चेंज, बिहेवियरल चेंज, आप बिहेवियरल चेंज बता सकते हैं। बिहेवियरल चेंज कैसे है कि मान लीजिए कि कोई कौवे है, सपोज, है ना, तो कौवे जैसे किसी एक स्थान पे हैं, जैसे राजनांदगांव में कुछ कौवे हैं, और ये कौवे राजनांदगांव के हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। अब क्या हुआ कि मैंने बिलासपुर से कुछ कौवे लाए और उनके बीच में छोड़ दिया, या मैना है, मैंने अपने घर में मैना या चिड़िया पाली हुई है, ठीक है। लव बर्ड्स आपने देखा होगा, लोग अपने अपने घरों में लव बर्ड्स पालते थे, है ना। तो अब मान लीजिए कुछ मैं कौवे रखा हुआ हूँ, कुछ कौवे पाला हुआ हूँ, एक पिंजरे में रखा हुआ हूँ, या अपने घर के बगीचे में रखा हुआ हूँ, कुछ बाहर से लाया मैं और ला करके दूसरे कौवे जो थे अपने बगीचे में छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो, अब वो दोनों कौवे एक दूसरे से परिचित नहीं है, परिचित नहीं है, तो एक दूसरे से मेल और फीमेल जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ पॉपुलेशन नहीं करेंगे, जीन फ्लो नहीं होगा। ये बिहेवियर लंबे समय तक दूर रहने के कारण एक दूसरे से परिचय नहीं हो पाएगा, ये एक कारण है, ठीक है। अब जरा स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीसीज, ध्यान रखना। स्पीसीज इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, स्पीसीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीसीज इज द यूनिट ऑफ एनिमल और प्लांट या किसी भी प्रकार का कोई भी किंगडम हो, एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है। सर कहने का मतलब, हाँ सर कहने का मतलब, एक ही स्पीसीज अपने सेम स्पीसीज से ही फर्टिलाइजेशन कर सकता है। अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सके तो आइसोलेशन कहलाता है। आया समझ में? हाँ। अब आते हैं हम स्पीसीज की परिभाषा। स्पीसीज में ध्यान देना क्या क्या है। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, मैंने पीपीटी पूरी इंग्लिश में बनाया हूँ, ठीक है, आप उसको नोट करते जाइए, हिंदी वाले नोट करते जाइए, बाद में फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। स्पीसीज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर जीनोम, जीनोम समझ लिया आप लोगों ने, इसीलिए मैंने जीनोम की परिभाषा पहले बताया, जीनोम सब लोग समझ लिए। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक समूह, कुछ जीवों का समूह जिनमें, अब यहाँ पर मैं ये अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि वो जीवों का समूह कैसा है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ध्यान देना ना, कुछ जीवों का समूह जो, अब कैसा है, उसमें पहली शर्त है सिमिलर जीनोम। सबसे पहली शर्त क्या है? सिमिलर जीनोम, जिनका जीनोम यानी पूरे क्रोमोसोम यानी जितने भी उसमें क्रोमोसोम की संख्या है वो एक जैसी होनी चाहिए। दूसरी शर्त है इंटरब्रीड रेंडमली, ठीक है, आप लोग पीपीटी में देख रहे हैं, मैंने उसको कलर अलग अलग कर दिया है। पहली शर्त सिमिलर जीनोम, दूसरी शर्त है इंटरब्रीड रेंडमली, जो आपस में रेंडमली क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है ब्रीडिंग करने के पश्चात फर्टाइल प्रोजेनी, यानी जो बच्चे पैदा करने में सक्षम संतानें हैं, संतान उत्पन्न करने में सक्षम संतानें पैदा उत्पन्न कर सके, ध्यान रखना इसको मैं जो कह रहा हूं, विच कैन प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी। एक समूह
जीवों का एक ऐसा समूह जिनका जीनोम समान है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, जो आपस में क्या कर सकते हैं, वो रेंडमली इंटरप्रेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। और तीसरी शर्त उसमें क्या है कि जो फर्टाइल प्रोजेनी, यानी कि वो क्या करेंगे, ऐसे वो आपस में संबंध बना करके ऐसे संतानें उत्पन्न कर सकें, ऐसी संतानें उत्पन्न कर सकें जो संतान उत्पन्न करने में, मतलब संतान पैदा करने में सक्षम हो। ध्यान रखना, देखो अब इसका क्या मतलब होता है। अब जैसे देखो, होमो सेपियंस एक प्रजाति है, इक्वोसिपस एक प्रजाति है जिसको घोड़े की प्रजाति हो गई, आजाडी रेक्टा इंडिका यानी कि नीम की प्रजाति हो गई, फिकस बंगालेंसिस यानी बरगद का पेड़ हो गया, पेंथ्रा टाइग्रिस, बहुत सारी हो सकती, राना टाइग्रिना, बहुत सारी, ढेर सारी हम जानते हैं, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ये सब हम प्रजातियों को जानते हैं। अब जैसे देखो, पेंथ्रा टाइग्रिस और पेंथ्रा लियो, ये दो प्रजातियां, ध्यान रखना दोनों पेंथ्रा है ना। पेंथ्रा टाइग्रिस यानी जो वो वाला जो काली काली पट्टी है जिसके शरीर पे रहती है ना, वो वाला टाइगर हो गया। और पेंथ्रा लियो यानी जिसके गले में बाल होते हैं, ठीक है, मेन जिसको कहा जाता है, मेन या अयाल हिंदी में बोलते हैं, तो जिसका मेन होता है या जिसका है ना अयाल होती है जिसके गले में, वो हो गया पेंथ्रा लियो, जिसको लायन हम बोलते हैं, सिंह जिसको बोलते हैं। दूसरा हो गया पेंथ्रा टाइगर, टाइग्रिस जो कि टाइगर होता है यानी बाघ, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है। अब इन दोनों के बीच में यदि संबंध बनता है, ठीक है ना, तो संबंध बनने के कारण बनता है टिगलायन। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको टिगलायन, ठीक है, जो पेंथ्रा टाइग्रिस जितना क्या होता है, फास्ट भी होता है, तेज दौड़ सकता है, और लियो जितना ताकतवर भी होता है, दोनों की इसमें के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो आप, इक्वस इक्वस, ठीक है, इक्वस इक्वस यानी घोड़ा। तो सर ये इसीलिए हुआ क्योंकि दोनों स्पीशीज सेम है क्या? सर ये सेम इसलिए हुआ ना सर कि दोनों स्पीशीज सेम है करके। हाँ देखो ना, एक टाइग्रिस और एक लियो स्पीशीज अलग अलग है, ये टिगलायन है, लेकिन प्रजाति तो बिल्ली की है ना सर, वो फैमिली है, फैमिली है बेटा, फैमिली है, कैटेगरी है, जो टिगलायन है उसको ध्यान रखो। पेंथ्रा यानी जीनस हुआ, टाइग्रिस यानी प्रजाति हुई, और जो फेलिडी है वो फैमिली है, फेलिडी बिल्ली की फैमिली है। अब देखो जो इक्विनी फैमिली है, इक्विनी फैमिली यानी घोड़ों की फैमिली, जितने भी प्रकार के घोड़े, गधे, जेब्रा ये सब आते हैं, वो सब इक्विनी फैमिली में आते हैं। अब उसमें दो देखो, एक है इक्वस इक्वस जिसको हम घोड़ा बोलते हैं, दूसरा है इक्वस एसिनस, ठीक है, जिसको हम गधा बोलते हैं। इन दोनों के मेल से, इन दोनों के क्रॉस होने से म्यूल बनता है, यानी जिसको हम खच्चर बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में तो प्रजनन हो रहा है, पेंथ्रा टाइग्रिस में और पेंथ्रा लियो में प्रजनन हो रहा है, ठीक है, यानी एक प्रजाति होनी चाहिए दोनों, इक्वस और इक्वस एसिनस में प्रजनन हो रहा है, यानी ये भी एक प्रजाति होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है कि टिगलायन जो होता है वो रिप्रोडक्टिवली स्टेराइल होता है, ध्यान देना यहाँ पर, यानी इनफर्टाइल होता है, ठीक है, यानी टिगलायन प्रजनन करने में अक्षम होता है, ये प्रजनन नहीं कर सकता। वैसे ही जो घोड़े और गधे के क्रॉस से बनने वाला म्यूल जो है वो भी प्रजनन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, टिगलायन जो है वो प्रजनन नहीं कर सकता, यानी पेंथ्रा टाइग्रिस और पेंथ्रा लियो दोनों एक प्रजाति नहीं है। अब यहाँ देखो, जीनोम को तो हम नहीं देख सकते, जीनोम के लिए तो हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, वो उसके लिए हमको पीसीआर में जाना पड़ेगा। अब हम यहाँ देखते हैं इंटरब्रीड रेंडमली, जो ब्रीडिंग तो कर रहे हैं, कौन कौन, पेंथ्रा टाइग्रिस और पेंथ्रा लियो आपस में ब्रीडिंग तो कर ले रहे हैं जंगल में होने के कारण, ठीक है, लेकिन दे कैन नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी, के क्रॉस होने से, उनके प्रजनन से फर्टाइल प्रोजेनी उत्पन्न नहीं हो रही है जो बच्चे पैदा कर सकती हो। टिगलायन जो होता है वो फर्टाइल नहीं होता, स्टेराइल होता है, समझ रहे हो? Yes, sir. ये जो टिगलायन जो होता है ये स्टेराइल होता है, यानी कि ये प्रजनन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि पेंथ्रा टाइग्रिस और पेंथ्रा लियो प्रजाति नहीं है, ठीक है। इक्वस यानी घोड़ा और इक्वस एसिनस यानी गधा, जिन दोनों के क्रॉस से म्यूल जो बनता है, ये म्यूल भी क्या होता है,
स्टेराइल होता है, ठीक है ना। स्टेराइल यानी कि ये भी प्रजनन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, इसलिए इक्वस इक्वस और इक्वस एसिनस आपस में प्रजाति नहीं है। क्लियर हो गया, आया समझ में की परिभाषा। इन बातें हैं कि जीनोम सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, जो इंटरप्रेट कर सकने चाहिए, और उनकी प्रोजेनी समान होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों बातें नहीं है, तीनों में से एक भी नहीं है, तो क्या होगा, वो प्रजाति नहीं कहलाएगी। अब पॉपुलेशन पे आओ, ठीक है। मैंने शुरू में जैसे बताया था, आइसोलेशन में बताया था, पॉपुलेशन क्या होती है, इसमें भी दो शर्त, यहाँ भी दो शर्तें हैं कि किसी प्रजाति के या नहीं, किसी जीवों का एक समूह, ध्यान देना ना, जीवों का एक समूह है ना यहाँ पर। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन से जीव हैं, जो एक ही प्रजाति के हैं, यानी कि इसमें तीन बातें आ गई, क्या क्या, जीवों का एक समूह यानी तीन बातें आ गई। तीन बातें कौन कौन सी, जिनका जीनोम सिमिलर हो, जो आपस में इंटरप्रेट कर सकते हो, और फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना। ये तीन प्रकार के अगर शर्तों को पूरे करने वाले जीवों का समूह, दूसरी शर्त जुड़ी हुई है डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया, एक निश्चित स्थान पर पाए जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत में होमो सेपियंस, होमो सेपियंस क्या है, प्रजाति है, होमो सेपियंस की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या कितनी कितनी भी है, वो क्या हुई, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ बेंथ्रा टाइग्रिस इन कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क में जितने टाइगर की संख्या है वो पॉपुलेशन ऑफ टाइगर कहलाएगी। बुबेलस बुबेलिस यानी कि किसको बोलते हैं, बुबेलस बुबेलिस, जूलॉजी वाले मालूम होना चाहिए तुम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का ये क्या है, राज्य पशु है, जंगली भैंसा, वन भैंसा। जो बुबेलिस बुबेलस जो है, बुबेलस बुबेलिस जो है, ये इंद्रावती नेशनल पार्क में जितनी संख्या उनकी पाई जा रही है वो पॉपुलेशन ऑफ बुबेलस बुबेलिस कहलाएगी। कहां, इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, इस चित्र से समझो, इस चित्र में देखो, ये एक निश्चित एरिया बटा हुआ है, पूरा दिख रहा है जो रंगीन क्षेत्र है, ठीक है, उसमें अब देखो सारे एक्स बने हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पर एबीसीडी कुछ भी नहीं है, केवल एक्स ही एक्स दिख रहा है ना, ठीक है। इस एरिए में जितने भी एक्स हैं वो क्या है, वो एक प्रजाति की या पॉपुलेशन है। इसमें देखो एक एक्स इधर बाहर है, एक एक्स इधर बाहर है, एक एक्स इधर बाहर है, एक एक्स इधर बाहर है। अब मान लीजिए हम बोलते हैं कि राजनांदगांव की जनसंख्या, राजनांदगांव की जनसंख्या गंडई से शुरू होती है और औंधी तक के जितने भी गांव, शहर, तहसील, ब्लॉक जो भी आता है उसके भीतर पाए जाने वाले होमो सेपियंस जितने हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, राजनांदगांव की जनसंख्या कहलाएंगे। अब यहाँ से आप जैसे ही नागपुर की तरफ गए, देवरी के पास पहुंचे आप, है ना, तो देवरी में जो दिल्ली होटल है ना, दिल्ली होटल के बाजू बना हुआ घर वो राजनांदगांव की जनसंख्या निकल आएगा, ठीक है। पूर्व की तरफ चले जाओ, जैसे ही आपने देवादा क्रॉस किया, अंजोरा पहुंचे, ठीक है, देवादा तक हो तो राजनांदगांव की जनसंख्या कहलाओगे, देवादा के उस पार चले गए तो राजनांदगांव की जनसंख्या नहीं कहलाओगे। क्लियर हुआ, तो एक निश्चित जियोग्राफिकल पॉलिटिकल कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उस क्षेत्र में पाए जाने वाली एक ही प्रजाति की कुल संख्या क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है, पॉपुलेशन, ठीक है। हाँ, अब आगे आओ कम्युनिटी पे। कम्युनिटी क्या चीज है, अब कम्युनिटी भी वही चीज है जो पॉपुलेशन है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें, एक निश्चित एरिया जरूर है लेकिन प्रजातियां विभिन्न प्रकार की है। देखो कैसे, किसी एक स्थान पर, ठीक है, एक स्थान में जैसे क्या हो सकता है, एक कोई दिग्विजय कॉलेज में हम बैठे हुए मान लीजिए, तो दिग्विजय कॉलेज में होमो सेपियंस हैं, ठीक है, इसके स्टेज के पास दो चार कुत्ते भी बैठे रहते हैं, यानी कैनिस फैमिलियरिस हो गए,
है ना, वहां पर गेट के पास में कुछ गायें भी खड़ी रहती हैं राजा साहब की मूर्ति के पास में, तो बॉस इंडिकस भी हो गई है ना, वो कैंटीन के पास में दो चार चूहे घूम रहे होंगे, रेटस रेटस हो गए है ना, किसी पीछे मंदिर वालों के घर में बिल्लियां भी होंगी, तो फेलिस डोमेस्टिकस हो गए। कितने सारे पेड़ है यहाँ पर, नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, सेमल का पेड़ है, आम का पेड़ है, ये अलग अलग क्या है, वो है मैंगीफेरा इंडिका है ना, वो है अजाटी रेक्टा इंडिका है ना, फाइकस बेंगालेंसिस भी है, एकेसिया का टेचू है, एकेसिया नीलोटिका है, ढेर सारी यहाँ पर क्या है वो है क्या बोलते हैं पौधे हैं, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां पाई जा रही है एक निश्चित क्षेत्र, मैंने कहा दिग्विजय कॉलेज का परिसर, कैंपस ऑफ दिग्विजय कॉलेज, ठीक है, ये जो परिसर है इसमें जितने भी अलग अलग, ध्यान रखना, जितने भी जीव पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, कम्युनिटी कहलाएंगे। अब इस चित्र में देखो, इस चित्र में तो आपको ए भी दिख रहा है, कैपिटल ए है, स्मॉल आर है, स्मॉल एन है, एन है, जी है, कैपिटल बी है, कैपिटल बी है, स्मॉल डी है, जे है, एक्स है, बी है, जी है, ये अलग अलग प्रकार की सारी प्रजातियां हैं, लेकिन वो एक निश्चित क्षेत्र में पाई जा रही है, ठीक है। तो एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीव, सभी प्रकार के जीव, ध्यान रखना, क्या कहलाएंगे, कम्युनिटी, कम्युनिटी कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी के बाद जो अगला है सब स्पीसीज, चलो सब स्पीसीज को मैं कर लूंगा क्योंकि आज 2 बज गए, टाइम हो गया अगली क्लास में, ठीक है। आज के पीरियड में समझ में आया आप लोगों को, दूसरा ध्यान देना, हाँ बोलो, और किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना हो, माइक ऑन कर लो अपना, माइक ऑन करके पूछ सकते हो, पूछ लो।